निर्माण हो रहा है, ऐसे राजमार्ग पुरुष जिन्हें हाईवे किंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि आप हम सभी को अपने प्रेरणा वचनों से अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है माननीय नितिन गडकरी जी का। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय मंत्री ज्योतिराज सिंधे जी, सभापति विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे संसद के सहयोगी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, विश्वास सारंग जी, नारायण कुशवाहा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, नारायण पवार जी, दिलीप अहिरवार जी, नरेंद्र पटेल जी, लखन पटेल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगी आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल, रमाकांत भार्गव, श्रीमती प्रज्ञा ठाकुर जी, श्री रोडमल लागर जी, श्रीमती संध्या राय जी, गुमान सिंह दामोर जी, दुर्गादास जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल रही है। मैं नागपुर से हूं और लोग ये बड़े मजाक में कहते थे कि मध्य प्रदेश के लोग कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नीम लग जाती थी और जब नीम खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी। पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे, शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे। और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, उद्योग व्यापार आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उद्योग के कारण अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज काफी बड़े प्रमाण पर यहां भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, जो होगा वो तो आप देखने वाले हैं। पर हमने इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि जो रिंग रोड बन रहा है उसके बाजू में अगर वो सरकारी जगह हमको देते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाने के लिए अपने पैसे से तैयार हैं। और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जहां भी इस प्रकार की संभावना है हमें जरूर प्रपोजल दीजिए। हम इंदौर और धार के बीच में औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में 1111 करोड़ रुपए की लागत से 255 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। हमें अपॉइंटमेंट डेट वर्क ऑर्डर देना है, केवल अभी तक लैंड हमको ट्रांसफर हुई नहीं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो लैंड अगर तुरंत हमको अलॉट हो जाएगी तो इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। मालवा का आटा हो, जिसकी अरब देशों में खूब मांग है, आटे का बना पास्ता, दलिया, सूजी, आबू धाबी, शारजा, दुबई में बहुत पसंद किया जाता है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैं और एक बात उनको कहूंगा कि अब हम रोप वे केबल कार में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7234 करोड़ की लागत से हमने 27 रोप वे का निर्माण करने का निर्णय किया है। उसमें आज जबलपुर में 2 का प्रेजेंटेशन भी हुआ, जल्दी उसका काम शुरू करेंगे। आज मुझे खुशी है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर 171 करोड़ की लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबे रोपवे का टेंडर फरवरी में निश्चित रूप से निकल जाएगा। ओंकारेश्वर में सिद्धरकुट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम तक 320 करोड़ की लागत से एक लंबे रोपवे का भी हम अध्ययन कर रहे हैं।
ओंकारेश्वर मंदिर से वाहन पार्किंग क्षेत्र से 37 करोड़ की लागत से 0.46 मीटर लंबे रोप वे की उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। सागर जिले में टिक्टोरिया माता मंदिर, इसका भी टेंडर जल्दी निकल जाएगा। और विशेष रूप से ये लिस्ट मेरे पास लंबी है, पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि ये भोपाल जो ये झीलों का शहर, मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एक योजना मुंबई में तैयार की थी, क्योंकि और योजना ये थी कि नए मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है तो वाटर टैक्सी से पानी के ऊपर चाहे वसई विरार से लेकर डोंबिवली कल्याण तक कहीं से भी नए एयरपोर्ट पर केवल 17 मिनट के अंदर सब पहुंचेंगे और 10,000 वाटर टैक्सी शुरू होगी ताकि रोड से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अनुरोध है कि ये झील के ऊपर रोप वे, केबल कार, स्काई बस चल सकती है। आप जरूर इसके बारे में प्रस्ताव भेजिए, निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से हम इसके लिए जरूर मदद करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हम 27 प्रपोजल मध्य प्रदेश के हैं उनके सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसके टेंडर निकालेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 50,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरता है। मैंने जब एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया तो ये हाईवे पर ऐसी स्थिति है कि मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना संभव होगा और मध्य प्रदेश से 5-6 घंटे के अंदर मुंबई तक पहुंच जाएंगे और इसके कारण मध्य प्रदेश के उद्योग व्यापार में काफी बड़ा फायदा होगा। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है वो इसी साल दिसंबर तक हम पूरा करेंगे और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर इसकी लेंथ है और करीब 20,000 करोड़ हम इसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो हाईवे है वो इंदौर से हैदराबाद का है जो 18,000 करोड़ का है, जिसके ऊपर 687 किलोमीटर सिक्स लेन फोर लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी 2025 तक पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से करीब 2,000 किलोमीटर हम बना रहे हैं। यह इंदौर से खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इच्छापुर से जलगांव, नांदेड़ होते हुए हैदराबाद तक जाएगा और हिंदौर से खंडवा के बीच 34 किलोमीटर मार्ग में 2 टनल 3 वाइडक्ट का भी निर्माण हो रहा है और 2025 तक वो पूरा हो जाएगा। इस हाईवे बनाने से इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में केवल 1 घंटे में जा सकेंगे, अभी फिलहाल इसमें काफी देरी लगती है। बुरहानपुर से इंदौर जाने में अभी 5 घंटे लगते हैं, ये बनने के बाद केवल 2 घंटे में जाना होगा और इस एक्सप्रेस वे बनने से खंडवा से हैदराबाद जाने का करीब 7 घंटे समय बचेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रीन हाईवे है वो विशेष रूप से उज्जैन से गरोट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो उज्जैन से मंदसौर जिले के गरोट तक 2700 करोड़ की लागत से 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है और ये एक्सप्रेस वे उज्जैन देवास इंदौर को गरोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। अभी उज्जैन से कोटा जाने में 6 घंटे का समय लगता है, ये हाईवे बनने के बाद केवल 2.5 घंटे में कोटा पहुंच पाएगी। मेरा विश्वास है कि ये हाईवे बनने से निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हाईवे है वो आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे है जो करीब 5,000 करोड़ की लागत से हम 90 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे का काम मार्च 2024 तक अवार्ड हो जाएगा और यह हाईवे आगरा इनर रिंग रोड से आरंभ होकर धौलपुर मुरैना होकर ग्वालियर के ईस्टर्न रिंग रोड को जुड़ेगा। इस हाईवे में केहरी नदी, उत्तंगन नदी, चंबल और असन नदी सहित 8 स्थानों पर बहुत बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं और आगरा से ग्वालियर मौजूदा काफी ट्रैफिक है। मुझे लगता है इससे डायरेक्ट आगरा जाने के बाद आगरा एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली जाना होगा तो ग्वालियर से दिल्ली 4 घंटे में होगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे की अलाइनमेंट हमने पक्की की थी जिसका अटल एक्सप्रेस वे करके नाम दिया गया था शिवराज जी के समय, पर इस हाईवे में इन्वायरमेंट वालों ने कुछ अड़चने लाई थी, बाद में जमीन के लिए बाकी जगह कुछ अड़चने आई है। आप दिल्ली आइए, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठकर पुरानी अलाइनमेंट अगर हम निश्चित करेंगे
तो जो गुड़गांव और नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो पूरी इन्वेस्ट चंबल के क्षेत्र में आएगी और वहां के पिछड़े हुए लोगों को रोजगार मिलेगा। इस हाईवे के अलाइनमेंट के बारे में आपके तरफ से एक बार निर्णय होगा तो दिल्ली से आगरा 2 घंटे में और आगरा से ग्वालियर 2 घंटे में, वैसे 3.5 घंटे में दिल्ली हो जाएगी और दिल्ली से काफी उद्योग यहां आएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा। भोपाल से कानपुर तक करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम 440 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉरिडोर भोपाल से विदिशा सागर महोबा जिले के गबरई होकर कानपुर तक जाएगा। अभी भोपाल से कानपुर आने के लिए 15 घंटे लगते हैं, ये कॉरिडोर बनने से केवल 7 घंटे में हम पहुंच सकेंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को होगा। ये कॉरिडोर बनने से भोपाल से कानपुर प्रयागराज वाराणसी तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सागर इसके साथ साथ भोपाल से सागर तक करीब 4,000 करोड़ की लागत से हम 170 किलोमीटर 4 लेन मार्गों में 3 पैकेज का काम जुलाई 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। पहला पैकेज भोपाल से मोरीकुड़ी तक 800 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर, दूसरा मोरीकुड़ी से विदिशा तक, तीसरा विदिशा से बेरखेड़ी तक और मेरा विश्वास है कि ये 4,000 करोड़ का हाईवे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में उपयोगी होगा। सागर से कानपुर तक ये कॉरिडोर हम बना रहे हैं, जो सागर से महोबा जिले से कवरई होकर कानपुर तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से 242 किलोमीटर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सागर से मोहारी, सागर जिले के मोहारी से सतईघाट, छतरपुर जिले से सतईघाट से चौका तक, चौका गांव से महोबा तक 4 पैकेजेस है और मेरा विश्वास है कि ये भी 8,000 करोड़ का हाईवे मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। मध्य प्रदेश में जो हाईवे निर्माण होंगे उसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इंडस्ट्री आएगी और रोजगार निर्माण होगा। सागर में ग्रीनफील्ड लिंक रोड का भी हम निर्माण कर रहे हैं, बेरखेड़ी NH 146 से गड़ेपेरा NH 934 550 करोड़ की लागत से ये लिंक रोड का काम भी 2024 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि ये लिंक रोड बनने से भोपाल से कानपुर तक 21 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनाना ये मध्य प्रदेश की सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। आदरणीय शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने भी काफी पहल की और काफी बदलाव लाया है। मेरा विश्वास है कि आदरणीय नए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न और शक्तिशाली बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश देश के पहले 3 प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य में आए। इसलिए यादव जी के नेतृत्व में हम पूरी भारत सरकार की ओर से पूरी ताकत और शक्ति के साथ उनको सपोर्ट करेंगे, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। और CRF में काफी काम मंजूर हुए हैं, विशेष रूप से सेतु भारतम में भी काफी रेलवे ओवरब्रिज अंडरब्रिज भी मंजूर हुए हैं। निश्चित रूप से यूटिलिटी सर्टिफिकेट आने के बाद और मंजूर करके हमें निश्चित रूप से देंगे। मैं फिर से एक बार आज मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नितिन गडकरी जी। और निश्चित ही भारत वर्ष में विश्व स्तरीय रोड नेटवर्क